लेक्चर नंबर नेक्स्ट है जिसमें अपन देखेंगे चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर की अगर बात करें तो बेसिकली चॉम्स्की साइंटिस्ट थे, उनने क्लासिफाई करी ग्रामर्स को। ठीक है, ग्रामर्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया, क्योंकि बेसिकली अपन के पास अलग अलग तरह की ग्रामर होती हैं। अगर मैं क्लासिफाई ना करूँ तो हो सकता है कि दिक्कत हो। आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रोडक्शन फॉर्म किस तरीके से होते हैं। ठीक है, हर एक ग्रामर का एक प्रोडक्शन फॉर्म होता है जिसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि ये इस तरह की ग्रामर है। उस पर्टिकुलर ग्रामर से जनरेटेड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आएगी। ठीक है, जैसे मेरे पास अलग अलग तरह की ग्रामर है और उनसे जनरेटेड एक रेस्पेक्टिव लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर। चॉम्स्की थे, उनने उनने ग्रामर को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टाइप 1, और बताया उनने कि टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, 4 टाइप में उनने ग्रामर को डिवाइड किया। द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ डिफर फ्रॉम ईच अदर, किस तरीके से एक ग्रामर दूसरे ग्रामर से डिफर है। ठीक है, यहाँ पे पहले में दिया है उनने ग्रामर का टाइप क्या है। ठीक है, दूसरे में दिया है ग्रामर एक्सेप्टेड, यानी कि कौन सी ग्रामर एक्सेप्टेड करी जाएंगी, या ग्रामर जो पर्टिकुलर टाइप है उसके रिगार्डिंग, उसके रेस्पेक्ट में कौन सी ग्रामर है, उस ग्रामर से जनरेटेड लैंग्वेज कौन सी आएंगी, उनके करेस्पॉन्डिंग ऑटोमेशन कौन सा है, या उसका ऑटोमेटा कौन सा है, या उसके लिए एक पर्टिकुलर मशीन होगी। हर एक टाइप की एक ग्रामर होगी, हर एक ग्रामर से एक जनरेटेड स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी, उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए क्या होगा, एक मशीन होगी जो उसे रिकॉग्नाइज करेगी उस लैंग्वेज को। ठीक है, या एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो जैसे टाइप 0 की अगर बात करें तो टाइप 0 से हमेशा, टाइप 0 को अपन बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर से बेसिकली 2 तरह की लैंग्वेज जनरेट होती हैं। पहला है रिकर्सिवली इनूमरेबल, दूसरा यहाँ पर लिखा नहीं है। दूसरी जो लैंग्वेज होती है वो है रिकर्सिव लैंग्वेज। ठीक है, रिकर्सिवली इनूमरेबल या रिकर्सिव लैंग्वेज को के करेस्पॉन्डिंग जो ऑटोमेटा होता है वो होता है ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, जो उसे रिकॉग्नाइज करती है, यानी कि ट्यूरिंग मशीन हमेशा रिकॉग्नाइज करेगी रिकर्सिवली इनूमरेबल लैंग्वेजेस को। ठीक है, टाइप 1 की अगर बात करें तो टाइप 1 में कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को रखा गया, या टाइप 1 जो होती है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर टाइप की होती है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक लैंग्वेज, यानी कि उससे एक लैंग्वेज जनरेट होगी, वो होगी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। सेंसिटिव लैंग्वेज हमेशा हमेशा जो एक्सेप्ट करी जाएगी लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से। ठीक है, ऑटोमेटा जो मशीन है वो सेंसिटिव लैंग्वेज को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। नेक्स्ट है टाइप 2। टाइप 2 की अगर बात करें, टाइप 2 में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो प्रोडक्शन फॉर्म होता है वो होता है अल्फ़ा टेंस टू बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा बिलोंग करेगा वी से, और जो बीटा बिलोंग करेगा वी यूनियन टी के स्टार से। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स हमेशा कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जनरेट करेगी, और उसके लिए एक पर्टिकुलर मशीन होगी जो उसे एक्सेप्ट करेगी उस लैंग्वेज को, उसे बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, टाइप 3 की अगर बात करें तो टाइप 3 यानी कि ग्रामर होती है रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर हमेशा रेगुलर लैंग्वेजेस को जनरेट करती हैं। उसके लिए रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट ऑटोमेटा होता है अपन के पास, या फाइनाइट ऑटोमेटा में अपन ने देखा DFA, NFA, या फिर अपन के पास होती है मीले मशीन और मूरे मशीन। तो बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा का दूसरा नाम है फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, या फाइनाइट स्टेट मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, टेक अ लुक एट द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन, इट शोज द स्कोप ऑफ ईच टाइप ऑफ ग्रामर। अब देखिए, यहाँ पे चॉम्स्की जी ने बताया कि जो रेगुलर है वो सबसे छोटे वाले सर्किल में, कॉन्टेक्स्ट फ्री उससे बड़े वाले सर्किल में, देन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव उससे बड़े वाले सर्किल में, देन सबसे बड़े वाले सर्किल में रिकर्सिवली इनूमरेबल। इसका मतलब है रिकर्सिवली इनूमरेबल के जो रेस्पेक्ट में जो लैंग्वेज जो मशीन होती है या जो उसको रिकॉग्नाइज करती है वो होती है ट्यूरिंग मशीन।
यहाँ डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि अगर ट्यूरिंग मशीन सबसे बड़े वाले सर्किल की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब है कि वो हर एक छोटे वाले यानी कि छोटे वाले जो सर्किल्स हैं वो बड़े वाले का क्या है, सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। तो ट्यूरिंग मशीन ऐसी मशीन है जो रिकर्सिवली इनूमरेबल को तो एक्सेप्ट करेगी करेगी, साथ में कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव टाइप को भी, कॉन्टेक्स्ट फ्री टाइप को भी और रेगुलर लैंग्वेजेस को भी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, यानी कि प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट है यानी कि ये सारी की सारी लैंग्वेज, यानी कि रेगुलर अगर मैं बात करूँ रेगुलर लैंग्वेज की, तो हर एक रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी, लेकिन हर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री रेगुलर नहीं होगी। इसका मतलब ये है, सर्किल छोटे सर्किल बड़े सर्किल का यही मतलब है। अगर सबसेट है इसका मतलब है बड़ी बार बड़ा वाला जो सुपर सेट है वो हो सकता है हो ना हो, लेकिन छोटा वाला जो सबसेट है वो तो रहेगी। जैसे रेगुलर की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं छोटे वाले सर्किल की, तो वो तो रेगुलर, तो हर एक लैंग्वेज रेगुलर रहेगी, यानी कि हर एक रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी, लेकिन हर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगी। इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं कि हर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होगी, लेकिन हर एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगी। इसी तरीके से अपन बोल सकते हैं हर एक कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव रिकर्सिवली इनूमरेबल होगी, लेकिन हर एक रिकर्सिवली इनूमरेबल कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव नहीं होगी। इसका मतलब है कि हर एक ट्यूरिंग मशीन CSL को, CFL को, रेगुलर को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन PDA की बात करें तो PDA बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री को एक्सेप्ट करेगा, रेगुलर को करेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को नहीं करेगा, यानी कि सुपर सेट वाली लैंग्वेज को कभी भी मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी, अपने से सुपर सेट वाले को कभी नहीं करेगी, मशीन सब सेट वाली लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगी। जैसे ट्यूरिंग मशीन है सभी को करेगी, एल बी ए रिकर्सिवली इनूमरेबल को नहीं करेगा, वो तीनों को करेगा यानी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, कॉन्टेक्स्ट फ्री और रेगुलर लैंग्वेज को। इसी तरीके से PDA ना कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को करेगा ना रिकर्सिवली इनूमरेबल को करेगा, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट फ्री को करेगा और रेगुलर को करेगा, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा केवल और केवल रेगुलर को करेगा और बाकी किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये Type 1, Type 0, Type 2, Type 3 मैंने बताया आप लोगों को, बेसिकली ये ग्रामर को आइडेंटिफाई करती हैं, क्लासीफाई करते हैं, नोम चॉम्स्की ने बताया। उसके बाद इसको अगर देखें, जैसे हर एक टाइप आई विल बी प्रॉपर सबसेट ऑफ i-1, Type i-1, ठीक है। यानी मैंने बताया एक रिलेशन इसको कैसे बना सकते हैं कि टाइप आई मतलब कोई भी जो चार नंबर है 0, 1, 2, 3, ठीक है, i-1 का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। तो अगर आई की वैल्यू सपोज 3 है तो आई जो 3 है, i-1 क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 3 विल बी प्रॉपर सबसेट ऑफ 2। इसी तरीके से अगर आई की वैल्यू अगर 2 है तो वो किसका सबसेट रहेगी, प्रॉपर सबसेट रहेगी 1 का, यानी i-1 का, यानी 2-1। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ 1 है तो 1 किसका सबसेट रहेगी, i-1 का, यानी 1-1 यानी 0 का, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने देखा, ये चॉम्स्की ने क्लासिफाई करी ग्रामर को, उसके रिगार्डिंग अपन ने देखी लैंग्वेज कौन सी जनरेट हो रही है, उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कौन करेगा या करेस्पॉन्डिंग एक्सेप्टर कौन सा है, इनकी बात करी अपन ने। थैंक यू।